22nd फिल्म फेयर अवार्ड में सैटरडे नाइट बहुत विनर्स की लिस्ट सामने आई। ऋषि कपूर ने भी फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल का अवार्ड जीता। जाहिर है वो खबरों में तो होंगे ही, पर आज वो अवार्ड जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड के लिए ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने इस किताब में डॉन दाऊद इब्राहिम से उनकी मुलाकात और चाय पीने के बारे में डिटेल में लिखा है। एक तरफ जहां करण जौहर भी अपनी किताब एन अनस्टेबल बॉय के लिए चर्चा में है, तो अब लगता है बारी ऋषि कपूर की है। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में दाऊद इब्राहिम से उनकी मुलाकात पर लिखा है कि शोहरत ने मुझे अच्छे लोगों के साथ ही संदिग्ध लोगों से भी मिलवाया। इनमें से एक था दाऊद इब्राहिम। ये साल 1988 की बात है। मैं अपने करीबी दोस्त बिट्टू आनंद के साथ आशा भोसले और आर डी बर्मन के प्रोग्राम में शामिल होने दुबई आया था। दाऊद का एक आदमी हमेशा एयरपोर्ट पर रहता था। जब मैं वहां से जा रहा था तभी एक अजनबी मेरे पास आया। उसने मुझे फोन दिया और कहा दाऊद साहब बात करेंगे। जाहिर है वो 1993 के मुंबई ब्लास्ट से पहले की घटना थी और उस वक्त मैं दाऊद को भगोड़ा नहीं समझता था। तब तक वो महाराष्ट्र के लोगों के दुश्मन भी नहीं थे, या कम से मुझे ऐसा लगता था। दाऊद ने मेरा स्वागत किया और कहा किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। उसने मुझे अपने घर भी बुलाया। मैं बहुत चक्का रह गया। ऐसा बता रहे हैं ऋषि कपूर अपनी ऑटोबायोग्राफी में। और जहां दाऊद इब्राहिम का नाम आता है वो खबर अपने आप सुर्खियों में आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।